नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, आखिर भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेते हैं? अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों करते हैं? उन्हें इतनी परेशानियां क्यों देते हैं? जो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, भगवान को काफी मानते हैं, उनकी बहुत आस्था होती है भगवान में, तो वो लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान को हम इतना मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, फिर भी भगवान हमें इतना दुख क्यों देते हैं? भगवान हमारी परीक्षा आखिर क्यों लेते हैं? अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? और कुछ लोग इतने बुरे कर्म करते हैं, फिर भी उनके साथ कुछ नहीं होता। और जो लोग काफी अच्छे होते हैं, उनका दिल काफी साफ होता है, उनकी भगवान भी बहुत परीक्षा लेते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, अच्छी चीज तो हर किसी को पसंद आती है, इसलिए जो लोग अच्छे होते हैं, उनकी तरफ भगवान की नजर होती है। भगवान उन्हें अपनी नजर में रखते हैं, अपने ध्यान में रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवान अपनी दृष्टि में रखते हैं, क्योंकि अच्छे लोग भगवान को भी प्रिय होते हैं, इसलिए भगवान भी ऐसे लोगों की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वो अपना मानते हैं। ऐसे लोगों को गलत मार्ग पे जाने से बचाते हैं। जिंदगी में आपको दुख इसलिए मिलता है ताकि आप खुशी का महत्व समझ सकें। अक्सर आप अपने जीवन में भी उन्हीं से उम्मीद करते हैं, उन्हीं से शिकायतें करते हैं जिन्हें आप अपना मानते हैं, इसलिए भगवान भी ऐसा ही करते हैं। जिन्हें वो अपना मानते हैं, उन्हीं की परीक्षा भी लेते हैं, उन्हीं को दुख भी देते हैं और उन्हें खुशियां भी प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में सुख और दुख हमारे कर्मों पे आधारित होता है। भगवान हमें कभी दुख नहीं देते, हमें दुख मिलते हैं तो हमारे कर्मों की वजह से। कभी कभी आप बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उसका फल आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाता, तब भी आप भगवान से शिकायत करते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में आपको सफलता मिले या ना मिले, लेकिन आपको एक सीख जरूर मिलती है। और भगवान की परीक्षा में वही लोग पास होते हैं जो मुश्किल समय में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ते। चाहे सुख हो या फिर दुख हो, भगवान का साथ कभी मत छोड़िए।